आज रसोई एक्सप्रेस में तीन चीजें बना रही हूँ। राजस्थान में विशेष करके दिवाली होली में सफ़ेद पीले खाजे बनाए जाते हैं। इन्हें शुद्ध घी और दूध से बनाते हैं, इसलिए पूरे घर में इसकी महक फैल जाती है। सफ़ेद खाजे को दूध या खीर के साथ खाते हैं और पीले खाजे को चाय के साथ। एक बार जरूर बनाएं। सफ़ेद खाजा बनाने के लिए मैं एक कप मैदा ले रही हूँ। प्याले में थोड़ा सा नमक डालूंगी। थोड़ा नमक कम ही डालना चाहिए क्योंकि इसे दूध में डाल के खाते हैं। ये राजस्थान का ट्रेडिशनल खाजा है। मिक्स कर लेंगे नमक को मैदे में। खाजा को खस्ता बनाने के लिए मैदे में थोड़ा थोड़ा करके शुद्ध घी डालेंगे। घी इतना डालना है कि मुट्ठे बन जाए। ऐसे मसल मसल के मैदे को और घी को मिक्स कर लेना है। मैंने थोड़ा सा शुद्ध घी और डाल दिया है। मैं मोन अच्छे से हो गया है। मैदे को दूध से उसनेंगे। ये दूध ले रही हूँ मैं। दूध रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के और आटा बहुत टाइट उसनना है। मैदे को भून लिया है दूध से और ये इतना टाइट होना चाहिए। अब इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अब बनाएंगे पीला खाजा। उसके लिए एक कप मैं मैदा ले रही हूँ, पाव कप सूजी ले रही हूँ, नमक टेस्ट के अनुसार से, थोड़ा सा अजवाइन ले रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी डालूंगी क्योंकि पीले खाजे बना रहे हैं, इसलिए हल्दी डालेंगे इसमें। मिक्स कर लेंगे सबको। अब घी डालेंगे, शुद्ध घी मोन के लिए थोड़ा सा डालेंगे पहले। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और फिर देखेंगे मुट्ठे बने उतना घी डालना है इसमें भी। मैंने घी का मोन डाल दिया है और ये अच्छे से मुट्ठे बनने लग गए हैं। बस इतना ही घी डालना है। इसको भी दूध से ही उसनेंगे। ये देखो इतना टाइट होना चाहिए। अब इसको भी 20-25 मिनट तक इसको रेस्ट में रखेंगे क्योंकि इसमें सूजी डाली है तो थोड़ी फूलेगी तो टाइम लगेगा। तो इसको भी मैं 20-25 मिनट के लिए रख देती हूँ। 15-20 मिनट हो गए हैं और अब इसको एक बार ठीक कर लेते हैं अच्छे से। अब इसकी लोई बना लेते हैं। तो इसे 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा टुकड़ा लेके इस तरह से लंबाई में कर लेंगे, ऐसे लंबाई में करके और इस तरह से छोटे छोटे से पीस कर लेंगे और फिर इसकी लोई बना लेंगे। इस तरह से लोई बना के और इसको बेलेंगे। जब भी थोड़े थोड़े से ऐसे लोई बनाते हैं और उसके बाद में जो ये आटा बच जाएगा ना उसको गीले कपड़े से ढक देना है। लोई को बेलते समय इसमें थोड़ा सा घी लगा देना चाहिए। इसको थोड़ी पतली बनानी पड़ती है। फोर्क से इसको इसमें छेदे कर देंगे कि इस थोड़ा बड़ा लोया ले लेते हैं और इसको बड़ी पतली रोटी बेल लेते हैं इसकी। ये इतनी पतली होनी चाहिए। फोर्क से निशान बना देंगे सब जगह। और कैसे कोई छोटी सी कटोरी हो जिसकी एक किनारी बनी हो, ऐसी कटोरी से इसका निशान बना देंगे। इस तरह से सब पूड़ियों को बना लेना और इनको सुखाने को रखेंगे। इसमें सूजी डाली थी इसलिए ये थोड़ा टाइट हो गया है। पानी ले लिया इसने। थोड़ा सा पानी डाल के इसको ठीक कर लेते हैं। ये मैंने ठीक करा है थोड़ा सा पानी डाल के, तो बेल सके इतना गीला तो होना ही चाहिए। अब मैं जैसे सफ़ेद में पूड़ी बनाई थी उसी तरह से इसकी भी पूड़ियाँ बना सकते हैं, पर मैं 2-4 डिज़ाइन दूसरी बता देती हूँ। मैंने ये लोया लिया है, इसको बेल लेते हैं अपन। मैंने बेल लिया है इसको। इसको थोड़ा सा मोटा रखते हैं सफ़ेद वाले से। अब मैं इसको चौकोर बना लेती हूँ। तो मैं इसको चाकू से काट के चौकोर बना देती हूँ। ये मैंने चौकोर काट लिया है। अब इसके ऐसे छोटे छोटे स्ट्राइप काट लेते हैं इस तरह, और थोड़ा सा जितना भी लंबा अपने को चाहिए उतना लंबा लेंगे और इसको ऐसे ट्विस्ट कर देंगे और सुखाने को रख देंगे। इस तरह से ट्विस्ट कर लेंगे और सुखाने को रख देंगे। चौड़ी सी वैसी पट्टी लेंगे और इसको इतना हिस्सा लेंगे जो ये बीच का सेंटर है उसे दबा देंगे तो ये भी डिजाइन बन जाती है। ये मैंने पीले आटे की लोई से भी ये रोटी बेल दी है। ट्रेडिशनल तरीका यही है, इसी तरह से गोल गोल पूड़ियाँ बनाई जाती है। पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इस तरह से सब बना के और सुखाने को रख देंगे। 1 घंटे तक ऐसे सुखा कर रखेंगे और उसके बाद इसको घी में तलेंगे। खाजों को सुखाकर 1 घंटा हो गया है और मैंने कढ़ाई में घी रख दिया है। अब देखते हैं कि तेल घी आया कि नहीं आया, गरम हुआ कि नहीं। गरम हो गया है घी, अब डाल देते हैं। तो पहले स्लो गैस में ही डालना चाहिए
बाद में मीडियम करेंगे, बहुत फास्ट में नहीं करना, नहीं तो वो ब्राउन हो जाएंगे। और इनमें जो छेदे करते हैं ना, वो अच्छे से छेदा करना, नहीं तो फूल जाएंगे। इस तरह से मैं सब डाल देती हूँ और आँच को धीमी ही रखूँगी या मीडियम करूँगी। थोड़ी देर इनको ऐसे तलेंगे, मीडियम में ही रखना, अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो कम कर देना। पलट लेती हूँ एक बार, देखो मैंने पलटा है इसको, दो तीन बार ऐसे पलटते रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा येल्लो नहीं करना है इनको। तो अब ये हो गए हैं और आँच को धीमी रखना चाहिए, तो मैं इनको निकाल लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करना है। होली के लिए सफ़ेद खाजे बनके तैयार हो गए हैं, कितने खस्ता दिख रहे हैं। अब इन्हें एयर टाइट डब्बे में भर देंगे। इसी तरह से पीले खाजे को भी तल लेते हैं, उसी तरह धीमी आंच में ही तलेंगे इनको भी। घी पहले से गर्म ही था, सफ़ेद तला था, इसलिए सुखाने से थोड़ा घी कम पीते हैं और जल्दी से तल जाते हैं, इसलिए सुखाते हैं इन्हें। पलट लेते हैं इनको, थोड़ी थोड़ी देर में पलट लेना चाहिए। जब लाइट ब्राउन हो गए हैं तो अभी इनको निकाल लेंगे। और ये बनके तैयार हो गए पीले खाजे, देखते ही कितने खस्ता लग रहे हैं, बिल्कुल बिस्किट की तरह। और सिद्ध घी से बने होने के कारण इनमें से महक भी बहुत अच्छी आ रही है। ये डिज़ाइन वाले मैंने बनाए थे, इनको भी तल लेते हैं। मैं इसमें इनकी भी आँच धीमी रखेंगे। ये देखो बच्चों के लिए भी बन के तैयार हो गए हैं। बच्चों को इस तरह से टॉयज वाली चीज़ें खाने में बड़ी मज़ा आती है, तो बच्चों के लिए खास करके ऐसे बनाना चाहिए, तो इन्जॉय करके खाते हैं। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाएं और बच्चों को खिलाएं। सफ़ेद खाजा तो बहुत ही खस्ता बने हैं, हल्का सा दबाया और चूर चूर हो गए। सिद्ध घी से बनाया इसलिए स्वाद और सुगंध जोरदार है। पीले खाजे एक बिस्किट की तरह खस्ता बने हैं, हल्के दबाव से ही ब्रेक हो गए। अक्सर इन्हें चाय के साथ खाया जाता है।